नमस्कार दोस्तों टेक स्कैन के एक बिल्कुल नए फ्रेश और एक्साइटिंग एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस वीडियो के अंदर मैं बी एस एन एल फोर जी लॉन्च के बारे में बताऊंगा क्योंकि एक बहुत ही बड़ा अपडेट बी एस एन एल फोर जी लॉन्च के ऊपर हमारे पास निकल गया है जहाँ पर इंदोर डिविजन के अंदर बी एस एन एल ऑलमोस्ट वन थाउजेंड फिफ्टी एट ऐसे विलेजेस है जहाँ पर अपने फोर जी सर्विसेज को लॉन्च करने वाले हैं दोस्तों इंदो डि बी के लिए काफी इंपॉर्टेंट डिविजन है और इस जगह के अंदर इतने बड़े अमाउंट ऑफ बी एस एन लॉन्च सच में बी कंपनी को आने वाले टाइम के अंदर काफी ज्यादा मदद करेंगे तो इसके बारे में क्या कुछ अपडेट हमारे पास निकल के आए हैं पूरा डिटेल्स बताऊंगा तो अगर आपको इसके बारे में जानना है तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए आइए वीडियो को शुरू करते हैं आशा करते हैं वीडियो जो आपको काफी पसंद आने वाला है दोस्तों भारत के अंदर बी अभी तक अपने 4G और 5G सर्विसेज को लॉन्च नहीं किया है जहां पर रिलायंस जियो और एयरटेल रिलायंस जियो भारत का ऑलमोस्ट साढ़े छह हजार सिटी और एयरटेल भारत के ऑलमोस्ट चार हजार सिटी के अंदर अपने 5G सर्विसेज को लॉन्च कर दिया है वोडाफोन आई अभी तक अपने सर्विसेज को फोर पर प्रोवाइड कर रहा है फाइव लॉन्च नहीं किया लेकिन आने वाले टाइम के अंदर वो भी कर देंगे लेकिन बी एस सरकारी टेलीकॉम कंपनी है लेकिन वो अभी तक अपने फोर सर्विस और फाइव सर्विस को लॉन्च नहीं किया जहां पर बी काफी लेट हो चुका है अपने फोर सर्विसेज को लॉन्च करने के लिए गवर्नमेंट की तरफ से तीन बार रिवाइवल पैकेज बी को मिला एक बार मेनलीउसेंड करोड़ रुपए अक्टूबर दो हजार उन्नीस के अंदर सेकंड टाइम दो हजार बाईस एक लाख चौसठ हजार मतलब बीएसएनएल फुल्ली तैयार है अपने फोर जी सर्विस को लॉन्च करने के लिए और बीएसएल जो यहां पर लॉन्च कर रहे पूरे तरीके से इंडिजिनियस से लॉन्च कर रहे मतलब जो सॉफ्टवेयर है जो हार्डवेयर है जो इक्विपमेंट है वो पूरे तरीके से भारत के अंदर बना हुआ है जो काफी बड़ी बात है दोस्तों टीसीएस और आई टी आई टीसीएस को पंद्रह हजार करोड़ रुपए का अपराउ पेमेंट कर दिया गया और आई टी को तीन हजार आठ सौ करोड़ रुपए का अपराउन पेमेंट कर दिया गया ताकि वो इक्विपमेंट्स का ऑर्डर यहां पर दे पाए और यहाँ पर बताया गया है कि सेप्टेम्बर या अक्टूबर के अंदर इक्विपमेंट्स आना स्टार्ट हो जाएंगे और उसके बाद फोर डिप्लॉयमेंट होना भी स्टार्ट कर हो जाएंगे और एक बड़ा अपडेट पंद्रह अगस्त हो सकता है कि हमारे जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की तरफ से मेनली जो हमारे इंडिपेंडेंस डे है वहाँ पर बी 4G का ऑफिशियल लॉन्च का जो अनाउंसमेंट है वो यहाँ पर हो सकते हैं उसी के साथ बी का जो फोर जी सर्विस यहाँ पर लॉन्च हो रहा है वो फाइव जी रेडी हो रहा है इसका मतलब सिर्फ सॉफ्टवेयर अपडेट की मदद से एग्जिस्टिंग फोर जी सर्विस को ही फाइव जी पर अपडेट कर सकते हैं दोस्तों एक बड़ी बात यह है कि बी का ये टारगेट है पहले के कुछ महीने के अंदर बी भारत के ऑलमोस्ट छब्बीस हजार गाँव हैं जहां पर अपने फोर जी सर्विस को अवेलेबल करवा देंगे जो एकदम रिमोट प्लेसेस होने वाला है जहां पर इससे पहले किसी भी तरीके का कनेक्टिविटी नहीं पहुंच पाया है और मेनली विलेजेस के अंदर बी एस एल अपने फोर जी को अवेलेबल करवाएंगे ताकि रूरल कनेक्टिविटी को काफी ज्यादा बढ़ोतरी यहां पर मिल पाए और इस कारण से बी एस एन एल जो यूएसएफ का पैसा है मतलब यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड फंड को 2012 साल के अंदर क्रिएट किया गया था तो और हर टेलीकॉम कंपनी कुछ कुछ कंट्रीब्यूट करती है इस फंड के ऊपर ताकि जो रूरल कनेक्टिविटी है वो काफी ज्यादा इंफोसाइज किया जाए काफी ज्यादा बढ़ाया जाए तो वहां पर जो फंड है उस फंड को बी एस पर यूज कर रहे है अपने रूरल डेवलपमेंट को करने के लिए तो यहां पर रूरल डेवलपमेंट काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और यहां पर इंदौर डिविजन के अंदर ऑलमोस्ट वन थाउजेंड विलेजेस है जहां पर बी अपने फोर जी को

24,680 ऐसे विलेजेस है जिसे आइडेंटिफाई किया गया है नेशनवाई टू रिसीव 4G जी फैसिलिटीज बाई डिस 2023 मतलब दिसंबर 2023 के अंदर इतने सारे गांव के अंदर बी एस एल अपने फोर जी सर्विसेज को अवेलेबल यहां पर करवा देंगे उसी के साथ उनकी तरफ से यह भी बताया गया है आज के डेट के अंदर काफी सारे ऐसे पॉइंट्स है जहां पर आधार कार्ड के ऊपर काम होते हैं और काफी सारा सरकारी काम यहाँ पर होते हैं आप अपने घर के आसपास या एरिया के आसपास भी देख सकते हैं काफी सारे ऐसे छोटे छोटे दुकान हो सकते हैं या कोई एक पॉइंट हो सकते हैं जहां पर जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स है वो वोटर आई कार्ड हो सकते हैं आधार कार्ड हो सकते हैं या कोई सरकारी कोई प्रोजेक्ट हो सकते हैं जिसके ऊपर काम करता पर इंटरनेट चाहिए और वहां पर मैक्सिमम जगह के अंदर बीएसएल का इंटरनेट यहां पर यूज होता है क्योंकि उसे सिक्योर माना जाता है और फोर और फाइव लॉन्च करने के बाद मैक्सिमम जो ग्राहक है वो मेरे लिए बी एस के ऊपर ही जाएंगे क्योंकि वहाँ पर सिक्योरिटी का कोई भी इशू यहाँ पर नहीं होगा और बी के कनेक्शन से जो गवर्नमेंट साइट है वो काफ़ी बढ़िया तरीके से खुल भी जाएंगे अब अक्सर देखे होंगे गवर्नमेंट साइट पर अगर आप जाते हैं तो वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा वार्निंग मैसेज आते हैं कि आपका कनेक्शन जो वो सिक्योर नहीं है इस तरीके का मैसेज जो वो आते हैं लेकिन बी के कनेक्शन से अगर आप वो कम सारे करते हैं तो यहाँ पर किसी भी तरीके का प्रॉब्लम्स यहाँ पर नहीं होंगे तो बी एस एन एल फोर जी लॉन्च के ऊपर काफी बड़ा अपडेट है ये जो मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर कर करूँ अगर वीडियो पसंद है कुछ नई जानकारी मिला तो वीडियो को लाइक कीजिए वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए चैनल को सब्सक्राइब करके पास में लाइक उनको तो अपना बिल्कुल भी मत भूलिए ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो डेली बेसिस देखने के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग बाई टेक केयर आपसे उस समय लगा तो ऐसी कोई नए वीडियो के साथ तब तक के लिए दोस्तों अपना ख्याल रखिएगा